देहरादून सीएम त्रिवेंद्र सिंह करेंगे मेरी यात्रा ऐप का शुभारंभ। एसडीआरएफ की ओर से बनाया गया है ये ऐप। सीएम खिरसू पौड़ी को देंगे करोड़ों की सौगात। पौड़ी बीजेपी मंडल अध्यक्षों को और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो आपको बता दें सीआरडीएफ की तरफ से ये ऐप बनाया गया है जिसको त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च करेंगे। खिरसू पौड़ी के दौरे पर हैं इस समय सीएम। पौड़ी में बीजेपी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र करेंगे मेरी यात्रा ऐप का शुभारंभ। एसडीआरएफ की ओर से यह ऐप बनाया गया है। खिरसू पौड़ी भी जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र। खिरसू पौड़ी में देंगे पौड़ी में बीजेपी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। देहरादून एसडीआरएफ की ओर से यह ऐप बनाया गया है जिसको लॉन्च करेंगे सीएम। खिरसू पौड़ी भी जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र। खिरसू पौड़ी को देंगे करोड़ों की सौगात। कई योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। पौड़ी में बीजेपी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र करेंगे मेरी यात्रा ऐप का शुभारंभ। एसडीआरएफ की ओर से ये मेरी यात्रा ऐप बनाया गया है जिसका शुभारंभ खुद सीएम करेंगे। खिरसू पौड़ी भी जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र। तो आपको बता दें कि पौड़ी के बीजेपी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र करेंगे मेरी यात्रा ऐप का शुभारंभ। इस ऐप को सीएम त्रिवेंद्र लॉन्च करेंगे जो ऐप एसडीआरएफ की ओर से बनाया गया है। खिरसू पौड़ी को देंगे करोड़ों की सौगात। करोड़ों की सौगात मिल सकती है खिरसू पौड़ी को। सीएम खुद आज दौरे पर हैं और कई सौगातें मिल सकती हैं खिरसू पौड़ी को। और देहरादून में सीएम करेंगे मेरी यात्रा ऐप का शुभारंभ करेंगे। जो ये ऐप है ये एसडीआरएफ की ओर से बनाया गया है और इस ऐप का शुभारंभ आज सीएम खुद करेंगे। इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। पौड़ी में बीजेपी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होनी है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र करेंगे मेरी यात्रा ऐप का शुभारंभ। खिरसू पौड़ी भी जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र। खिरसू पौड़ी को देंगे कई करोड़ की सौगात। कई सौगातें मिल सकती हैं खिरसू पौड़ी को। पौड़ी में बीजेपी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक होनी है। हमारे साथ अजीत कंबोज जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। अजीत, इस बैठक में कौन कौन सी बातें सामने आ सकती हैं? सर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो काफी व्यस्त रहना है आज का उनका पूरा दिन। सुबह 10 बजे से उनके कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और जिस तरह से अगर बैठक पर फोकस किया जाए तो लगभग 2 बजे पौड़ी जनपद की ये बैठक होगी जिसमें तमाम जो मंडल अध्यक्ष है पौड़ी के वो मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे संगठन को भी मजबूत किया जाए और संगठन के जो लोग हैं वो किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं या उनकी कुछ परेशानियां हैं। तो तमाम इश्यूज को लेकर पौड़ी जनपद की बैठक होगी। उससे पहले अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रमों की तो सुबह 10:30 बजे एसडीआरएफ की मेरी यात्रा ऐप का वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से जो भी तीर्थयात्री, जो भी पर्यटक हैं उत्तराखंड में आते हैं, ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो बिना इंटरनेट के भी वो तमाम चीजों की सुविधा ले सकते हैं, तमाम जानकारियां जुटा सकते हैं। इसके बाद लगभग 1 बजे करीब सीएम त्रिवेंद्र रावत पौड़ी के खिरसू में पहुंचेंगे जहां पर करोड़ों रुपए की पेयजल की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। वहां पर पौड़ी जनपद के ही खिरसू में सरकार ने एक होम स्टे के तौर पर सरकारी एक गेस्ट हाउस तैयार किया है जो पूरी तरह से उत्तराखंड के परिवेश का बना हुआ है। यहाँ की संस्कृति की झलक उसमें नजर आती है, उसका लोकार्पण होना है और उसके बाद ये मंडल अध्यक्षों की एक बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और क्या दिशा निर्देश, क्या टिप्स मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं इसका इंतजार रहेगा। और इसके बाद जब वापसी देहरादून करेंगे मुख्यमंत्री तो एक बड़ा आयोजन देहरादून में होना है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार आज आवंटित किए जाएंगे और तमाम जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं जिन्होंने बेहतर कार्य किया है अभी तक अपनी सरकारी सेवा के दौरान उनको मुख्यमंत्री रावत सम्मानित करने का काम करेंगे। जी
जी अजीत, जो ये ऐप है मेरी यात्रा ऐप है, इस ऐप को जो लोग हैं वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ऐप उनकी सहायता किस प्रकार से करेगा? सरकार की कोशिश है कि जो भी तीर्थयात्री या पर्यटक उत्तराखंड का दौरा करते हैं और यहाँ पर आकर उनको जानकारियां जुटानी काफी मुश्किल लगती है, कई जगह पर इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है अभी भी पहाड़ों के दूरस्थ इलाकों में, तो उन क्षेत्रों में कैसे बिना इंटरनेट के उनकी मदद की जा सकती है, इसको लेकर एसडीआरएफ ने एक ऐप तैयार किया है जिसका नाम मेरी यात्रा रखा गया है और इस ऐप का शुभारंभ अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री रावत करेंगे। ऐप के माध्यम से कोई भी जानकारी आप आसानी से ले सकते हैं, केवल एक बार आपको इंस्टॉल करना है ऐप को और बिना इंटरनेट के भी ये ऐप काम करेगा। इसमें तमाम तरह की जो जानकारियां हैं, कहाँ पर ट्रैकिंग रूट्स हैं, कहाँ पर आपको क्या व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, रुकने की कहाँ पर होगा, नाइट स्टे कहाँ पर होगा, होम स्टे कहाँ पर है, तमाम तरह की जो सुविधाजनक चीजें हैं जो एक आम तीर्थयात्री या पर्यटक को चाहिए होती वो इस ऐप के माध्यम से मिलेगा और एसडीआरएफ इसका संचालन करेगा। तो एसडीआरएफ की तरफ से जो तमाम चीजें हैं, जानकारियां हैं, कहीं पर मौसम खराब होता है, कहीं पर एवलांच की जानकारी आती है, कहीं पर रोड ब्लॉक होता है, तो तमाम चीजें भी इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।